भोपाल लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने आलोक शर्मा पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में आलोक शर्मा ने आलाकमान का आभार जताया और भोपाल से बड़ी जीत का दावा भी कर लिया। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा पर पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर भरोसा जताया है। आपको टिकट मिलने की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो मैं देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी का और प्रदेश संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। देखिए, आज तो भोपाल में कोई चुनौती नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, देश में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है तो विकास की है। हम भोपाल को विकास में किस प्रकार से आगे ले जाएं, इसके लिए भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा के अंदर हम जनता से ही संवाद करेंगे, चर्चा करके भोपाल का चुनावी मैनिफेस्टो बनाकर भोपाल की जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे। साथ भी दीदी हमारी बहन है, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा और उनका मैं आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं है, यहाँ का जो चुनाव है, यहाँ की डेमोग्राफी ही ऐसी है, यहाँ का चुनाव ही कांग्रेस ने मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कर दिया था। हम तो हर चुनाव के अंदर, चुनाव में जीत हार तो होती है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और उस सीट को हम हर हालत में जीतेंगे और इस बार पूरे देश के अंदर अब की बार जीत का अंतर क्या रहने वाला है इस बार? करता होता है जी। धन्यवाद। ये थे बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा जो कि बड़ा दावा कर रहे हैं कि लोकसभा भोपाल में एक बार फिर जीत दर्ज करेंगे। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि लोकसभा जीत में कितना अंतर रह सकता है। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ मैं प्रहलाद शर्मा।